तो बच्चों, आप लोग सबका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड कब होने वाले हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम कब तक होंगे, क्योंकि ये अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है। वैसे तो अभी ऑफिशियली हमारे सीजी बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं आया है, लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है सीबीएसई बोर्ड के बारे में, उसके बाद यह आकलन लगाया जा सकता है कि हमारे सीजी बोर्ड में एग्ज़ाम कब होंगे, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं कि हमारे मंत्री जी ने आखिर कहा क्या है, उससे आप लोगों को भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले सुन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके मन में ज़रूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपकी अनिश्चितता से बनी है। जनवरी और फरवरी, जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा, हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना आप पूरी ताकत के साथ। तो आपने सुना क्या कहा मंत्री जी ने? उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अभी जनवरी, फरवरी और मार्च में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड जो सेंट्रल का बोर्ड है, उसका एग्ज़ाम 4 मई से उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं बच्चे कि हर कोई जो स्टेट बोर्ड होता है, यानी कि हर राज्य का बोर्ड जो है वो सीबीएसई को फॉलो करता है, क्योंकि वो हमारे पूरे इंडिया के सेंट्रल बोर्ड का निर्णय है। क्योंकि हर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड को फॉलो करता है, हर एक जो स्टेट राज्य बोर्ड है वो भी सेंट्रल बोर्ड को फॉलो करता है। तो उन्होंने एक बार जो निर्णय ले लिया है, उनके निर्णय पे ही सारे राज्य बोर्ड के निर्णय डिपेंड करेंगे, ये 100% गारंटी है, आप मान के चलिए। इसीलिए अगर ऐसा कोई करता है कि सीबीएसई बोर्ड के पहले एग्ज़ाम कर लेगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसीलिए कोई भी राज्य ये कदम नहीं उठाएगा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले अपना एग्ज़ाम करवा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप गारंटी ले लीजिए मेरे से, अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो आपको भ्रमित कर रहा है, उनके भ्रम में मत जाइए। यहाँ पे यूट्यूब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत जानकारी दे रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देती हूँ, अपनी जानकारी की पूरी 100% गारंटी लेती हूँ। आप लोगों को ये मैं बता दूँ कि देखिए, जो ऑफिशियल साइट है उसमें साफ साफ लिखा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 4 मई से होंगी। तो ये सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया, तो सीजी बोर्ड हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है वो भी 4 मई से पहले एग्ज़ाम नहीं ले सकती, नहीं तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो करता है हर एक राज्य का बोर्ड। कभी भी सीबीएसई बोर्ड से पहले कोई दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं करवा सकता है, ये नियम है। उसके बाद देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, ये जो सीबीएसई का जो वेबसाइट है उसमें से मैंने ये आपको डाउनलोड करके दिखा रही हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है स्कूल के कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन, ये सब की अनुमति 1 मार्च से होगी और ये लिखित परीक्षा के अंतिम तिथि तक दी जाएगी। यानी कि आप 1 मार्च से लेके जब आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होते हैं उससे पहले तक आप जो आपका प्रोजेक्ट का वर्क है, प्रैक्टिकल का वर्क है, आंतरिक मूल्यांकन है, ये सब कंप्लीट करना होगा। आपको 2 महीने का पूरा समय मिलता है, यानी कि 1 मार्च से लेके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के होने से पहले तक आपके पास समय होगा कि आप ये सारी चीज़ें पूरी कर सकें। तो स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी इसी तरीके से अपनाया जाएगा जो अपनाया है सीबीएसई बोर्ड ने। अभी हमारे यहाँ पे कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है इस महीने के, यानी कि जनवरी के लास्ट तक पता चल जाएगा तो तुरंत मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी और आगे जाके हम डेट शीट भी देख लेंगे कब आएगा। लेकिन मैं इसको आगे पढ़ के बता दूं आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
कि जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की समय सारणी भी दी जाएगी। और ये भी लिखा गया, देखिए CBSE समय समय पर परीक्षा से संबंधित जानकारी के बारे में सूचित करता है, अगर इसके अलावा कोई दूसरा वेबसाइट इसके बारे में बताता है तो उस पर आप बिलीव ना करें, उस पर आप विश्वास ना करें। बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट से कोई न्यूज़ नहीं आती है, आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो पर विश्वास ना करें। आपको मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाया है कि आप भ्रमित ना हो, आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो रहा था, तो ये चीज़ क्लियर है बच्चे कि CBSE बोर्ड के पहले तो हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला। तो आप खुशी मनाइए कि आपके पास अभी जनवरी से लेके अप्रैल तक का पूरा समय है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि एग्जाम अगर होगा तो बिल्कुल CBSE बोर्ड के जैसे ही होगा, मई में ही होगा, ये आप मान के चलिए। तो आप देखिए, ये इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये CBSE बोर्ड का है, देखो 31 तारीख को जारी किया गया है, इसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बच्चों को तो ये भी डाउट था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। बच्चे एग्ज़ाम ज़रूर होगा, 100% होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको लिख के एग्ज़ाम देना होगा, वो भी आपको सेंटर मिलेगा, हो सकता है आपको अपना ही स्कूल का कोई सेंटर मिले या फिर कोई दूसरे स्कूल में भी जाना पड़ सकता है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी इन सब के चीज़ों पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन ये बात तो तय है कि आपका एग्ज़ाम होगा और अप्रैल के बाद ही होगा, यानी कि मई में जो CBSE बोर्ड ने डिक्लेयर किया है उस समय में ही होगा, उससे पहले कोई भी राज्य अपना एग्जाम नहीं करवा सकता है, ये निषेध है। तो आप लोगों को ऐसे ही जानकारी अगर चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों तक ये न्यूज़ ज़रूर पहुंचाइए कि आपके पास अभी भी 4 महीने का समय है, आप अभी भी पढ़ के 95 स्कोर कर सकते हैं, और उसके लिए मैं लगी हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को लाइव आकर सारे सब्जेक्ट के, क्लास 10th के मैं पूरा तैयारी करवा रही हूँ, और 12th के भी सारे सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरे वेबसाइट को फॉलो करना होगा। आप देखिए, मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ऊपर मेन्यू बार मिलेगा, मेन्यू बार को जैसे ही दबाएंगे आपको लाइन से सारी कैटेगरी मिल जाएगी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको, क्लास 10th 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे वेबसाइट में मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, 10th और 12th के सैम्पल पेपर्स, सब कुछ मेरे वेबसाइट में है, आप जाके अभी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने चैनल पे अभी 5 जनवरी से पूरा रिवीजन कोर्स शुरू करने वाली हूँ, क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ करवाऊंगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके सपोर्ट के लिए तैयार हूँ। 90+ स्कोर हम ज़रूर करेंगे, सब एक साथ करेंगे, और जीत की हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरे को आप लोगों के जो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सब मिलकर मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि इस न्यूज़ के बारे में, और हम सब 95 स्कोर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बाय बाय।